अरे ये सोना, अरे ये तो हमारे मालिक के पास बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, इनकी जन्मदिन की सालगिरह पे बनवाया था, हम तो अपनी जेब में लेके घूमते हैं। अच्छा, लाओ दिखाओ, अगर इतना ही सोना है तो दिखाओ। सलाम जुनैद जी। सलाम सारा जी। जबरू, जरा इन्हें सोना दिखाओ। सोना देखोगे? अरे हट पगले, सामने हीरा खड़ा हो तो सोना कौन देखेगा। सोना देख लो। एक दो तीन, जल्दी कर जिनू, चाचा का जादू और 15 लम्हों में खत्म होने वाला है, कहीं वो हमेशा के लिए सोना बन के ही ना रह जाए। ये दोनों तो हूबहू एक जैसे हैं। लीजिए। अरे चाचा तो अम्मी के पास चले गए। जिनू मेरे भाई, ये तूने क्या किया? क्या करूं? या अल्लाह, तू फंस गए। आका, अरे आई आई अपने से ही, कहां जा रहे हो? जुनैद जी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने ये सोना इन मोहतरमा को दिया था और आपने उनसे वापस ले लिया। क्या आपको पता नहीं कि जो देता है वो वापस लेता है और जो वापस लेता है वो दोबारा देता है, समझे? ओ नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ ताए गरीब, हाँ देखिए, ये सोना मैंने आपको दिया, मैंने आपसे लिया, दिया लिया, फिर दिया फिर लिया, दोनों दिया दोनों ले लिया, समझे? शाबाश। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ही मैंने इन मोहतरमा को ये सोना दिया और वापस लिया, ठीक है? और फिर दिया और ये सोना चुमरू को दिया। अब इससे ये सोना तो मैं ही ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं गरीबों को सिर्फ देता हूँ, उनसे कुछ लेता नहीं। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, तमाशा खत्म हो गया। और हाँ, चांद चंगेजी का ख्याल रखना, अकेला होगा ना सारा। जी भाई जान। जी मालिक। छोड़ो छोड़ो हमें झुमरू, छोड़ो। अरे झुमरू, आका ने बचा लिया, आका ने बचा लिया हमें।
अरे चिपकना बंद करो चचा। चलो बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं बुजुर्ग। और जुनैद जी आपने जो किया बहुत गलत किया, अब आपको इनसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मुझे ना ही तो किसी का सोना चाहिए और ना ही किसी की माफी। मुझे माफ कर दीजिए, सब गड़बड़ हो गई। रुला दिए ना जी। क्या बोलूं? आज तुम समझ पाते कि तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर चिल्ला रहे हो, मेहमानों की जासूसी कर रहे हो, अपने आधे से आधे उम्र की और आधे वजन की लड़की से इश्क कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। भाई? हाँ भाई, वजीरे आला। हाँ वजीरे आला। कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे कि मैं उन्हें अपने महल से बाहर ना निकालूं। अपने अपने महल मतलब? मुझे बहुत काम है जुनैद भाई, ये आप उन्हीं से पूछिए। इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें महल में काम करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था ना बेवकूफ औरत। लोगों के ताने इल्जाम सहना पड़ रहा है। आपने चोरी की है। झुमरू जो सोना लेके आया था सोना आपने चुराया है। मैंने नहीं चुराया। और वो इल्जाम कोई गैर नहीं अपना जिनू लगा रहा है। जिनू को जब चोट लगती थी तो दर्द अम्मी को होता था। ऐसा सौदा किस काम का हा? जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे। और आज दोनों एक दूसरे को देख के पहचाना तक नहीं। आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे में यही सीखा है कि जंग में दर्द देने और सहने दोनों के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात जंग की नहीं, मेरी अम्मी की है। मैं दुनिया का हर दर्द सह सकता हूँ लेकिन अपनी अम्मी के आंसू नहीं सह सकता। और अब अगर किसी ने मेरी अम्मी पर उंगली भी उठाई उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ दूंगा। ये एहसास उसकी महकीली हवाओं में है और मैं ये उसको महसूस कर सकता हूँ। वक्त आंधी की रफ्तार से तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी चपेट में आने से पहले उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लो और उसकी ताकत पहचानो और अपनी ताकत पहचानो। मेरे महल में मेरे इजाजत के बिना कौन आ गया? टोली तैयार? तैयार मलिक, पहचान लेंगे लेकिन पहले आप हमें ये बताइए बात कुछ आगे बढ़ी? दुनिया भर के तमाम जादूगरों में से सबसे उम्दा जादूगर के ढूंढने की मुहिम जारी है वजीरे आला। जो आपके इस असली मकसद तक पहुंचने में आपका साथ देंगे
जिस दिन आप अपने असली मकसद में कामयाब हो जाओगे, उस दिन हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी इंसान का इससे सामना करना नामुमकिन होगा, और वो दिन कयामत का दिन होगा और तबाही का दिन होगा। सारी बातें तो हमें पहले से पता है, हमें कुछ नया बताइए। नया? नया चीनी मिनी छोटा जी, देखिए काम बड़ा मुश्किल है। जिसने भी इसमें कोशिश की उसको हार मिली, लात मिली, मात मिली और धूल में लिपटी लाश मिली। मिल गया। तुम मिल गए मुझे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तो जाऊंगा मालिक। झुमरू तुम बेमानी कर रहे हो। मैं बेमान लोग से बात नहीं करता। झुमरू मालिक पकड़ लिया। झुमरू मालिक एक दो तीन। ये सब क्या है वजीरे आला, ये सब क्या है? चलो ना जाने कब से छुप कर हमारी बातें सुन रहे हूँ। बोलो तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। ये सोना मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए इन्हें दिया था। मैंने खुद देखा था कि वो सोना कुलबदन ने छुपाया था, तो फिर उस बदतमीज लड़के अली ने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चक्कर है और इसमें मैं क्यों उलझ गया। रेगिस्तान में किसी ने सोना चुराया था, मैं वहां था और मेरा हाथ भी, मतलब वो सोना चुराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर वो सोना और उसे ढूंढता हुआ अली यहां कैसे आ गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में सही सही मुझे गुलबदन ही बता सकता है। मुझे जाकर उसी से बात करनी चाहिए। मैं क्या करूं, ये अली बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। किससे कहूं मैं ये बात? मेरे अम्मी अब्बू तो अपनी किस्मत की तरह बर्बाद है और मेरी गुल्लू भी घर पर नहीं है, तो मैं ये बात किससे कहूं? चाची जान, हाँ ये बात मैं चाची जान से कह सकता हूं। ले आया, ले आया, ले आया, ले आया, ले आया। मेरे नौकर झुमरू न जाने कहां ले आए। आज तक कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, पर ये काम बहुत फटाफट कर लिया। वाकई शाबाश झुमरू। ये सब क्या तमाशा हो रहा है हमारे महल में? हमारे महल में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा मतलब था कि आप सभी को इस हालत में देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत मजे कर रहे हैं। बेशक मजे मजे तो हमारे जमाने हमारा मतलब है कि हम सच बोलो या हिम्मत दिखाओ खेल खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है? तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे लगता है कि वो दिन आज ही है। अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, पर खेल में हिम्मत दिखाने के नाम पर तुरंत इन अजनबी को उठा लाया। हमने इन्हें खेल में यही करने को कहा था, लेकिन हमारे यहाँ इस महल में
मेहमानों की इज्जत की जाती है, ना कि उन्हें। मेहमानों की इज्जत करते हैं पर लगता है आप मालिक की इज्जत नहीं करते। ये महल मेरा है तो कायदे भी मेरे होंगे। आपका महल? आप कौन हैं? दोस्त या दुश्मन? आप इन्हें बता या फिर जी 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 हम बताते हैं। ये हमारे दोस्त हैं सौदागर अली। ये वो शख्सियत हैं जिनसे कभी हमें सलाह मशवरा करना होता है, जैसे कि गरीब बच्चों की तालीम, उनके लिए क्या किया जाए वगैरह वगैरह। हम इनसे पूछते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आखिर एक गरीब ही तो दूसरे गरीब। मेरा मतलब है कि गरीबों का दर्द समझते हैं। यहाँ पे बहुत सी बातें ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है और जहाँ मुझे बातें समझ में नहीं आती। जी गुरु शर्मा रहे हैं, आप चलिए और आप खेलिए। अरे आइए आइए, इधर आइए, आप हमारे साथ खेलेंगे, आइए। नहीं नहीं नहीं, ये दरअसल कहीं जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। आइए चलिए आप। अच्छा आप चलिए। लेकिन आपको तो फुर्सत है ना वजीर आला। आप खेलिए। देखिए वो क्या है, इस महल में जो रहता है ना उसे मेरी बात माननी पड़ती, क्योंकि ये महल तो मेरा। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ खेलूं। आप जाइए, आइए बैठिए। तैयार वजीरे आला जी? तो खेल शुरू करते हैं। लेकिन करना क्या होगा? बहुत ही आसान खेल है वजीरे आला। हम में से कोई एक इस बोतल को घुमाएगा और जिस पर ये बोतल आके रुकेगी उसे ये तय करना होगा कि पूछे गए सवाल का जवाब वो सच सच देगा या फिर उसे जो करने को कहा जाएगा वो करेगा। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। भाई जान, भाई जान, भाई जान। अच्छा अब बताइए आप सच कहेंगे या हिम्मत दिखाएंगे? अब मैं जिसके लिए मशहूर हूँ वही करूंगा, हिम्मत दिखाऊंगा। हम बताएंगे भाई जान को क्या करना है। खोले ढक्कन जैसे पिघला हो मक्खन। मतलब भाईजान को एक जोर की लात लगानी होगी। किसे? आपको। मजाक कर रहे हैं वजीर आला। वजीर आला इन्हें बिना गिराए सिर्फ एक लात से इस बोतल का ढक्कन खोलना है। अब बहुत हो गया मजाक, अब बोतल लाओ। ये तो कर पाना नामुमकिन है। वजीर आला, नामुमकिन को मुमकिन करना भाईजान का बचपन का शौक है ना भाईजान?
भाई जान। वाह मालिक, आज भी आपने लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब खेल आगे बढ़ाते हैं। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो चम जाए। वजीरे आला, वजीरे आला की बारी। हम तो बस देखना चाहते थे आप लोगों का ये खेल क्या है। बेहतरीन खेलिए आप लोग। वजीर आला, आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वजीर आला, आप हारने से डर गए? कभी नहीं, वजीर आला तो बहुत बहादुर है। वजीरे आला, सच कहेंगे या फिर हिम्मत करेंगे? सच कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच कहेंगे। सच कहने का था हमें 1500। हाँ सच, सच कहेंगे आप वजीरे आला? सच बोल दीजिए वजीरे आला। ठीक है, हम सच कहेंगे। ठीक है, तो फिर बताइए। बादशाह सलामत को किसने मारा?